दुनिया मुक गया ने जाना पै गया शामा हुण याद तेरी ने आ जाना तू कढ लिया जाना मेरे बिना असा मर जाना वे हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल इट्स मी एंड फॉर टुडेज व्लॉग आई मीन वीडियो इट्स गोइंग टू बी अ प्रिपरेशन व्लॉग फॉर माय मैथ्स एग्जाम विच इज़ ऑन 24 एंड जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मैं एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ सो मैं बताऊँगी लास्ट में कैसा गया सो वॉच टिल द एंड एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर सच अमेजिंग कॉन्टेंट आई नो अमेजिंग कुछ नहीं है बट फिर भी कर लो यार सो मैंने यहाँ पास NCERT एग्जाम्पलर सारे चैप्टर्स लगा लिए थे जो कि आज ही मैंने ख़त्म की है इसके बाद मुझे करना था कुछ डिफिनेशन पार्ट सो इसके लिए मैंने रेफ़र किया था सैम्पल पेपर जो कि 2022 एडिशन का है ये मेरे पास रखा था इसलिए मैंने सोचा कि मतलब कि शॉर्ट नोट्स पढ़ने के लिए इसमें दिए थे तो मैंने इसी से पढ़ लिया नहीं तो मुझे पूरी बुक NCERT से जानी पड़ती है उसमें डिफिनेशंस खोजनी पड़ती क्योंकि मैंने ऐसे कोई शॉर्ट नोट्स मैथ्स के नहीं बनाए हैं स्पेशली बाकी सभी सब्जेक्ट्स को तो मैंने बनाए हैं एंड इसके बाद मैंने ये किया था बाय द वे गाइस तुम लोगों के एग्ज़ाम्स कैसे गए मुझे बताना एंड तुम लोगों का मैथ्स का पेपर कैसे गया ये भी बताना क्योंकि मेरा तो बहुत गंदा गया मैं लास्ट में बताती हूँ ये दोबारा मैं बोल रही हूँ मुझे पता है एंड क्या तुम लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं या फिर तुम लोगों का सिलेबस कैसा हुआ कितना हुआ कैसा कैसे हो सकता है कितना हुआ वो बताना एंड हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ आई डोंट नो हाई पता नहीं क्यों इसके बाद मैंने ये ख़त्म कर लिया था पूरे 9 चैप्टर्स उसके बाद मुझे करना था ट्राइंगल और चैप्टर वो भी NCERT से क्योंकि मेरा ट्राइंगल और चैप्टर ना बहुत उसके कंसेप्ट कच्चे पक्के हैं मेरे इसलिए मुझे मैंने सोचा कि एक बार मैं एग्ज़ाम देने के पहले देख लेती हूँ सो यहाँ पास मैंने निकाली NCERT उसके साथ साथ रफ़ और पेन क्योंकि ऑब्वियसली मुझे क्वेश्चंस लगाने थे तो पेन तो लगेगा ही हाथ से थोड़ी पागल हूँ एंड आज सुबह से ही मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ स्पाइसी मसालेदार खाने का सो लकली मेरे पास कुरकुरे पड़े थे तो मैंने वो खाया मज़ा ही आ गई थी इसको खाने इसके बाद मुझे करना था बताया था मैंने ट्रायंगल सी कर रही थी आज मुझे कुछ ज़्यादा ही हंसी आ रही है वॉइस ओवर करते टाइम सो प्लीज़ इग्नोर इट इसके बाद मैंने एक ही चैप्टर किया था और बाकी मैंने पहले से ही कर रखे थे बाय द वे गाइस तुम लोगों को ट्रायंगल चैप्टर कैसा लगता है प्रूव दैट दिस इज़ अ ट्रायंगल प्रूव दैट इज़ अ ट्रायंगल पागल लगता है मुझे इसके बाद मैंने ये बंद करके रख दिया था और मैं सोने चली गई थी और मेरा कॉन्फिडेंस देखो मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगी मैथ्स का पेपर है इतना तो कॉन्फिडेंस था कि मैथ्स मैं कर लूँगी बट जो वॉट लगी है मेरे पेपर में मैं क्या बताऊं देखो पेपर तो ज़्यादा कठिन नहीं था मीडियम से थोड़ा ऊपर था एंड मुझे नहीं लगता कि पेपर कठिन होता है या इजी होता है वो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है सबके किसी को हार्ड लग सकता है किसी को इजी कुछ ज़्यादा ही ज्ञान हो गया अब मैं बताती हूँ पेपर कैसे गया तो मुझे 2-3 क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे एंड स्पेशली मुझे एक 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा था जो कि मुझे लगता है कि मैंने स्किप किया था कि ये पेपर में नहीं आएगा बट वो आ गया इसके साथ साथ केस बेस्ड स्टडीज़ में मुझे प्रॉब्लम हुई थी बट मैंने कर दिया है जो कि एक गलत है वो भी एक और एक 5 मार्कर क्वेश्चन है वो भी मेरा गलत हो सकता है बाकी तो मुझे नहीं लगता कि गलत होगा बट मैंने चेक नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं बचा था और मैंने काफ़ी मुश्किल से ही पेपर कंप्लीट किया था तो आई थिंक मैं अच्छा ज़्यादा अच्छा नहीं स्कोर कर पाऊँगी ठीक ठाक कर लूँगी बाय द वे गाइस अगर तुम लोगों को मेरा पेपर देखना है तो तुम लोग पॉज करके देख सकते हो या फिर मुझे बता सकते हो तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी इसके साथ देखो पेपर तो बहुत घटिया गया और मेरी कल की छुट्टी भी नहीं है कि मैं इस सदमे से उभर सकूँ तो मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कल मेरा है कंप्यूटर का पेपर जो कि आई थिंक देखो अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात नहीं करूँगी क्योंकि एक कॉन्फिडेंस मुझे लेट हुआ तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ने वाली हूँ And I think that's it for today's video. I hope you like the video. If you like the video, hit the like button and subscribe to my channel. Bye and take care.